हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी और स्टार्ट कर चुके हैं यूनिट 2। और आज इसी यूनिट का हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5, विच इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी का पार्ट 1। जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं वो है द रूट, द स्टेम, द लीफ, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड। देन आते हैं कुछ सेमी टेक्निकल टर्म्स जिन्हें डिस्क्राइब किया जाएगा ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड लास्ट में डिस्क्राइब करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो ये एक प्लांट ये बाहर से कैसा दिखता है, क्या क्या पार्ट्स है इसमें, इसी की स्टडी को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी, विच इंक्लूड्स बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को अगर हम पुल आउट करेंगे यानी कि जमीन से उखाड़ेंगे तो उसमें हमें रूट, स्टेम एंड लीव्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स भी होते हैं। तो प्लांट का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर होता है यानी कि अंडरग्राउंड होता है उसे कहते हैं रूट, और प्लांट का वो हिस्सा जो जमीन के ऊपर होता है यानी कि हमें विजिबल होता है उसे कहते हैं शूट। तो एक एक करके हम इन सभी पार्ट्स को स्टडी करेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूट से। रूट जो है ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहले टैप रूट जो कुछ ऐसा दिखेगा, देन आता है फाइब्रस रूट जो कुछ ऐसा दिखेगा, एंड लास्ट हम करेंगे एडवेंटिशियस रूट जो कि इस तरह का दिखेगा। तो चलिए इन्हें हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं टैप रूट को। तो ये है एक टैप रूट। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। तो किसी भी सीड को जब हम सॉइल में सो करते हैं, सॉइल में बोते हैं, तो उस सीड से रेडिकल ग्रो करता है और ये रेडिकल आगे जाके प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करता है। दिस प्राइमरी रूट फर्दर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट सिस्टम, जो आपको इस डायग्राम में क्लियरली विजिबल है। तो प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, दीज टू बोथ कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड, विच इज अ डाइकॉट प्लांट। नेक्स्ट आता है फाइब्रस रूट। तो ये है एक फाइब्रस रूट। क्या कैसे ये अलग है टैप रूट से देखते हैं। तो प्राइमरी रूट जो है यहाँ पे वो काफी कम टाइम के लिए होता है, उसके बाद ये रिप्लेस हो जाता है बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। तो इसका मतलब आगे जाके इसमें कोई प्राइमरी रूट नहीं होती है, सभी रूट्स जो हैं एक जैसी ही होती हैं। तो यहाँ आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। ये एक टैप रूट है जिसमें आपको सेंटर में मेन रूट यानी कि प्राइमरी रूट दिख रहा है, लेकिन यहाँ फाइब्रस रूट में कोई मेन या प्राइमरी रूट नहीं है। तो दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। एग्जाम्पल है इसका वीट, जो एक मोनोकॉट प्लांट है। थर्ड आता है एडवेंटिशियस रूट। तो ये क्या है और ये कैसे टैप रूट एंड फाइब्रस रूट से अलग होता है देखते हैं। तो ये जो रूट्स हैं ये अराइज होती हैं फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। इसका मतलब ये जो रूट्स हैं ये रेडिकल से नहीं ग्रो करती हैं। एग्जाम्पल ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री। तो ये जो रूट है एडवेंटिशियस रूट ये हमें जमीन के बाहर भी दिखती हैं। अब ये तीनों रूट सिस्टम जो अभी हमने स्टडी किया है, इन रूट सिस्टम का काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो देखते हैं इसे। सबसे पहले ये जो है एब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल। दे प्रोवाइड अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट। देन ये स्टोर करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल एंड ऑल्सो सिंथेसाइज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तीनों रूट में क्या डिफरेंस है ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट होता है आपको इस वीडियो में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूट्स को अगर और डिटेल में देखा जाए तो इसमें हमें अलग अलग रीजन्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आता है रूट कैप जो बिल्कुल टिप पे होता है। ये एक थंब जैसा स्ट्रक्चर या थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे रूट कैप कहते हैं, जिसका काम होता है अपेक्स को यानी कि रूट टिप को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम फर्दर डैमेज। रूट कैप के बाद आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी।
ये रीजन रूट कैप से जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स ऊपर स्टार्ट होता है। इस रीजन के जो सेल्स हैं ये काफी स्मॉल साइज के एंड थिन वॉल्ड होते हैं जिनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इन सेल्स का काम जस्ट डिवाइड करना होता है, ये रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है रीजन ऑफ एलोंगेशन जो रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी के जस्ट ऊपर स्टार्ट होता है। इस रीजन के जो सेल्स हैं दे अंडरगो रैपिड एलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट जिससे क्या होता है जो रूट है इसकी ग्रोथ होती है एंड दे ग्रो लेंथ वाइज, रूट की लेंथ बढ़ती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो रूट है उसके लेंथ वाइज ग्रोथ के लिए कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल है तो आप कहेंगे सेल्स ऑफ रीजन ऑफ एलोंगेशन। नेक्स्ट आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो होता क्या है जो रीजन ऑफ एलोंगेशन के सेल्स हैं ये ग्रेजुअली डिफरेंशिएट करते हैं एंड दे बिकम मैच्योर जिससे फॉर्मेशन होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन का। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन के कुछ एपिडर्मल सेल्स जो हैं ये फॉर्म करते हैं वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है रूट हेयर। तो ये है रूट हेयर्स जिनका काम होता है वॉटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सॉइल। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही अगर आज के टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम पे भी, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉपिक स्टेम से। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, सी यू सून, थैंक यू, बाय बाय।